नमस्कार। पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे देश को रोज सुबह उठ के बिग बॉस देखना है। दुनिया में रशिया वर्सेस यूक्रेन, फलिस्तीन वर्सेस इजराइल चल रहा है और यहाँ पे लोगों को मुनव्वर वर्सेस UK07 देखना है। मैंने तो कल रात भी बर्तन किया, जब भी मेरी ड्यूटी नहीं थी भाई, तब भी मैंने करा ना। तो भाई हेल्प आउट नहीं करा, पूरा बर्तन धोया, पूछ लो कल, पूरे बर्तन मैंने करे रात को। तो तूने एडिशनल किया ना? नहीं मैंने किया। बिग बॉस का एक नया सीजन आया है, अब फिर से आंडू पांडू बागड़ बिल्लू को एक पिंजरे में बंद कर देंगे और फिर शुरू खेल। हर साल की तरह इस साल भी सलमान भाई एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिनको कोई नहीं निकाल सकता। इस बार बिग बॉस के घर के अंदर तीन और घर हैं, दिल, दिमाग और दम। इसका मतलब चूतियापा, चूतियापा और चूतियापा ट्रिपल होगा। सारे लड़कियों सुनो, ये आदमी को पालने की प्रॉब्लम है, कहते वो सुनगा क्या मेरी पाल या किसी को मालूम है? ये तो पाताल में शैतान इतना नहीं चिल्लाते जितना बिग बॉस के घर के अंदर चीखे सुनाई देती है, लेकिन क्या करे, देश की जनता को यही चाहिए। तो अब बात करते हैं घर के बाकी कंटेस्टेंट्स की। तो हमारा अगला कंटेस्टेंट है मुनव्वर फारूकी। लोगों के लिए होता होगा जेल जाना बदनामी, लेकिन भाई के लिए जेल जाना एक अवार्ड विनिंग काम है। भाई जेल की सलाखों से बोर हो गए थे, इसलिए इस बार बिना सलाखों वाला पिंजरा चुना है भाई ने। अब हमारा अगला कंटेस्टेंट है UK07 राइडर। ये भाई क्लास के मॉनिटर बनना चाहते हैं, लेकिन घंटा इसको कोई इज्जत नहीं दे रहा, खुद बिग बॉस भी इसे रोस्ट कर रहे है। अगले दिन बिग बॉस अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर इस ग्रुप से इस घर से दूसरे वाला नॉमिनेट करना है, दूसरे ग्रुप से इस वाला नॉमिनेट करना है, तो अगर तू मैं तेरे अनुराग बाबा का अगर प्रवचन पूरा हो गया हो तो क्यों ना आप सभी मोहल्ले के चौक में एकत्रित हो जाए। भाई बिग बॉस में आकर इतना सैड है कि अपने हंसी के साथ साथ अपना जेंडर भी भूल गया है। लोग ना फिर इनसिक्योर भी होते हैं इन सब चीजों। तो यू हैव टू डिफेंड योर इमेज एज अ लड़की। मैं तेरे को बता, क्या बोला तूने? एज अ लड़की मैं तेरे को बता। हाँ लेकिन एक बात तो है भाई, को बिग बॉस में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सुपरा नहीं है ना। अब क्या करे, सलमान भाई तो है नहीं जो हर जगह गाड़ी लेके जा सकते है। अब हमारी अगली कंटेस्टेंट है मन्नारा चोपड़ा। ये प्रियंका चोपड़ा की कजिन है, लेकिन बदकिस्मती से इसके सर पर नेपोटिज्म का हाथ नहीं पड़ा। ये बिग बॉस में आई है अपने सरनेम की वजह से, बाकी बिग बॉस में इसका कोई काम नहीं है। अब हमारा अगला कंटेस्टेंट है सनी आर्या उर्फ तहलका प्रिंस। मेरा नाम सनी आर्या और जनता मेरे को तहलका भाई के नाम से जानती है। तहलका भाई के नाम से इसलिए जानती है क्योंकि मैंने प्रैंक कर करके ऐसे तगड़े तगड़े तहलका मचाए हैं कि मेरा नाम पड़ गया तहलका भाई। ये बादशाह से थूक का प्राणी बिग बॉस के घर का आनंद अंबानी है। जो आपका सबसे महंगा आइटम है वो सिर्फ मैं पहनूंगी। एक जैकेट लेकर आया हूँ जो 29 लाख रुपए की, तो वो ले ले। पहले मेरी देख लो तो पहनना, 8.5 लाख की पहन रहा हूँ। ये कितने का है? 35 लाख की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका ब्रश कितने का है? ये जोगिंदर के मौसी के लड़के को बिग बॉस ने क्या सोच के लिया है पता नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, देश की जनता को यही देखना है। हर साल बिग बॉस में कपल्स बनते हैं, लेकिन इस बार बिग बॉस ने रेडीमेड कपल उठाया है क्योंकि बिग बॉस कॉफी करण बनना चाहते हैं। तो पहले कपल है नील भट्ट और ऐश्वर्या। क्योंकि मैं बेवकूफ लगती हूँ। तूने सलूशन दिया इस चीज का? सलूशन गया तेल लेने। इंडिविजुअल आए, इंडिविजुअल खेलेंगे। देखो चलना है तो चल भाई, मैं अपना गेम खेलूंगी। ये टीवी सीरियल के अर्जुन कपूर को एक तो टीवी सीरियल के अलावा कोई नहीं जानता, और ऐश्वर्या इसके साथ फ्री में आई है। इन दोनों के फैंस इनको बुब्बा और बूबी बुलाते हैं। अब तुम ही सोच लो कि ये निब्बा निब्बी के कौन से स्टेज पे होंगे। तो अब हमारे अगले कपल है विक्की जैन और अंकिता लोखंडे। विक्की भाई का बिग बॉस में बस एक ही काम है, अपनी बाईड़ी के पीछे पीछे घूमना, और इसकी बाईड़ी भी बहुत सपोर्टिव है।
मैंने आपको कहा था वो जल्दी दोस्ती करता है सर, क्योंकि हर कोई सर अच्छे इंसान को समझ नहीं पाता। आज जिन लोगों से वो बैठ बैठ कर गप्पे मारता था नॉर्मल, उसको कोई मकसद नहीं था, आज लोग उसको बोल रहे वो पॉलिटिक्स कर रहा है और ये कर रहा है सर, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। लेकिन मैं दिल से आंसर देना चाहती हूँ कि माय हस्बैंड इज नॉट दैट। तो मनारा को लगता है कि उनको सबसे ज्यादा जो कोई छेड़ता है तो विक्की भाई। तो अब हमारे अगले कंटेस्टेंट है अभिषेक कुमार। बिग बॉस ने इसके स्क्रिप्ट में बस एक ही वर्ड दिया है, मैं ऐसा ही हूँ। बस मैं ऐसा ही हूँ। खैर आज के रंगारंग कार्यक्रम को अभी खत्म करते हैं। अरे हाँ, इस बार बिग बॉस का विनर होगा मुनव्वर फारूकी। तो और अब इससे ज्यादा बिग बॉस में नहीं देख सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, अभी व्हाइट कलर का हो गया है, जल्दी से दबाओ। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बोलो कि नीचे सब्सक्राइब करें।